हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है। मैं भोपाल के कोविड-19 वॉर रूम से बोल रहा हूँ। हम यहाँ हेल्थ फलक्रम और वेबिनार प्रेजेंट करने जा रहे हैं बीएमसी और हेल्थ फलक्रम की तरफ से। आप कोरोना से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। बेसिकली कोरोना जो है एक वायरस है। वायरस के बारे में बात करें तो वायरस की डेफिनेशन इस तरह से आती है कि वायरस इज एन इंटरकनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मतलब जब तक वायरस को कोई होस्ट नहीं मिलेगा तब तक वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है और वो जीवित नहीं रह सकता है। बेसिकली वायरस और पैरासाइट में केवल एक ही डिफरेंस होता है। जो वायरस है वो अपने आप को रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, लेकिन जो पैरासाइट होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन को सक करता है। वायरस न्यूट्रिशन को सक करने के साथ साथ अपने आप को रैपिडली मल्टीप्लाई भी करता है, अपनी कॉपीज भी बनाता है। कोरोना वायरस के बारे में बात करना चाहें, एक किंगडम होता है, एक फैमिली होती है रिनो वायरसेस की। कोरोना वायरस उन्हीं रिनो वायरसेस में से एक वायरसेस होते हैं। बेसिकली कोरोना वायरस से कभी किसी की डेथ नहीं होती है। आप लोगों को सुनने में जरा सा अलग लगेगा, कोरोना वायरस से किसी की डेथ नहीं होती है। जहां तक मेरा नॉलेज है, जिस तरीके से एचआईवी के पेशेंट की डेथ केवल पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है, उसी तरह से कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड जो व्यक्ति होते हैं उनकी डेथ केवल निमोनिया से होती है। इस तरह के निमोनिया जो कि पेंडेमिक होकर आता है किसी भी जनता के पास, पब्लिक के पास या किसी भी व्यक्ति के पास, इस तरह के निमोनिया को हम लोग CAP कहते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, CAP कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, क्योंकि ये निमोनिया हमें कम्युनिटी से मिल रहा है, एक दूसरे से कांटेक्ट करने से मिल रहा है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हमें एक दूसरे से संपर्क को नज़रअंदाज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कोरोना वायरसेस जो होते हैं नॉर्मली कॉमन कोल्ड करवाते हैं, एक कह सकते हैं कि एक सिम्टम होता है जिसे हम कॉलिजा कहेंगे, जिसका मतलब होता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स दिखेंगे और निमोनिया तक पहुंचते हैं, फिर हाइपोक्सिया होने के कारण पेशेंट रेस्पिरेटरी अटैक में जाता है, सीज हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। कोरोना वायरसेस से बचने के लिए हमारे पास अभी केवल डिफेंस प्लान है। मेडिकल साइंस के पास इसका अपना कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टोमेटिव, सपोर्टिव एंड डिफेंस प्लान। डिफेंस प्लान में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टेरिलाइजेशन का फॉलोअप करें और एक दूसरे को कांटेक्ट में आने से अवॉइड करें। फ्रेश फूड खाएं, कोई भी ऐसा फूड जो 10 से 12 घंटे से ज़्यादा देर तक बना हुआ है उसे अवॉइड करें। कोरोना वायरसेस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हर वायरस को एक मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, जैसे वाटर, फूड या कोई भी ऐसी वस्तु जिसे किसी एक व्यक्ति ने छुआ है और वो बार बार अलग अलग लोगों के संपर्क में आता है। ऐसे करने से जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं वो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं हेल्दी लोगों के, और वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिससे ये चेन बनती जाती है और सब एक दूसरे को इन्फेक्शन जो है देते जाते हैं, या कह सकते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन बन जाता है इस तरीके का। तो इससे बचने के सबसे पहले उपाय ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, साफ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरसेस को पनपने के लिए जो एटमोसफेयर की आवश्यकता होती है वो होता है कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड, अनहाइजीन एटमोसफेयर। ये सारी चीज़ें वायरसेस को ग्रो करने में हेल्प करती है। लो टेम्परेचर, तो ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ध्यान रखें, और कहीं पर भी एक कहना चाहिए कि स्पॉइल्ड जो फूड होता है या फिर वेस्ट फूड जो होता है, अगर वो भी पड़ा हुआ है तो न्यूट्रिशन के लिए काम करता है कोरोना वायरस के लिए। तो न्यूट्रिशन हमें नहीं देना है उस वायरस को, और उसका जो फेवरेबल कंडीशन है जो कि कॉन्टामिनेशन है वो हमें नहीं देना है। इन चीज़ों को हम मेंटेन करके रखेंगे तो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें
ये देखना है कि किन किन कौन से वो लोग हैं जो कोरोना वायरसेस के इन्फेक्शन को प्रेडिस्पोज कराते हैं, या ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं। कुछ लोगों के कुछ कैटेगराइज वे में मैं नाम लूंगा, क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। एज पर WHO सबसे पहले सिगरेट स्मोकर्स आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्मोकिंग करते हो तो वो सबसे पहले नंबर वन पे हैं। नंबर टू पे वो लोग हैं जिनको लंग्स में इन्फेक्शन है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बना हुआ है पहले से, वो लोग कोरोना वायरसेस के इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे हैं अल्कोहलिक लोग, जो लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं वो कोरोना वायरसेस के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं इन्फेक्शन के लिए। चौथे नंबर पे हैं वो लोग जो स्टेरॉयड ड्रग थेरेपी को फॉलो करते हैं, जैसे डॉक्टर्स ज़्यादातर ऑर्थो के जो डॉक्टर्स होते हैं या ज़्यादा इन्फेक्शन जिनमें जिन पेशेंट्स में होता है, तो डॉक्टर्स स्टेरॉयड नाम की कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम की दवाई का प्रयोग करते हैं। कॉमनली उनको हम डेक्सोना, प्रेडनिसोलोन, और इनके अपना एक ग्रुप होता है। इस तरह की इस ग्रुप की किसी भी दवाई को नहीं लेना चाहिए, ये दवाइयाँ डायरेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बनाती हैं, जिससे कोरोना वायरस और ज़्यादा हैवी तरीके से अटैक करता है, और वो लोग जो स्टेरॉइड नाम की दवाइयों को ले रहे हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं, जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, उनका भी इम्यूनिटी वीक होता है और वो भी ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट जो लोग आते हैं वो है HIV के पेशेंट्स, जो HIV के पेशेंट्स हैं उनका भी इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब रहता है और वो भी ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के लिए। अगला जो नंबर आता है उन पर्सन्स का, उन पेशेंट्स का जो कि अभी हाल फिलहाल में इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन से ठीक होकर घर लौटे हैं हॉस्पिटल से, तो कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है और वो भी कोरोना वायरस से ससेप्टिबल हो जाते हैं इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट जो आते हैं वो लोग होते हैं जो इनडोर एयर पॉल्यूशन को ज़्यादा एग्रावेट करते हैं या फैलाते हैं। घर के अंदर, ऑफिस के अंदर या किसी भी बिल्डिंग के अंदर अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है या पॉल्यूशन ज़्यादा है तो इन्फेक्शन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब आते हैं अगले जो हैं वो लोग जिनको पहले से ही लंग्स की कोई बीमारी चल रही हो, जैसे COPD, अस्थमा, ऐसे पेशेंट्स भी ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के लिए। अब जो नेक्स्ट आते हैं जो मेडिकल साइंस में जिनको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज पेशेंट कहा जाता है वो है प्रेग्नेंट लेडीज। प्रेग्नेंट लेडीज हम जानते हैं कि जो बेबी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मदर का अपने लिए लेता है, और ऐसे में जो मदर्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने लगती हैं, तो वो प्रेग्नेंट लेडीज भी ज़्यादा ससेप्टिबल हो सकती हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट जो आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती हैं वो भी कोरोना वायरस के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल हो सकती हैं डायरेक्ट इन्फेक्शन में आने के लिए। अब जिनका मैं नाम लूंगा वो 5 साल की उम्र से कम के जो बच्चे हैं, वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो ज़्यादा ससेप्टिबल होंगे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के लिए। अगर मैं इन सभी चीज़ों के पीछे बात करूं तो हम ये देखेंगे कि इन सभी लोगों में जिनका मैंने नाम लिया, जिनका क्लासिफिकेशन बताया, ये सब के सब इम्यून से रिलेटेड बात हो रही है। मतलब ये है कि ये सब लोग इम्यून को कॉम्प्रोमाइज करके रखते हैं अपने अंदर। तो टोटल बात ये है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादातर उन्हीं लोगों को डायरेक्ट अटैक करता है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हम किसी भी मेडिसिन को फॉलो ना करें। सबसे बेहतर ये है कि हम फ्रेश फूड खाएँ, अच्छा से अच्छा फूड खाएँ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, मौसमी फल जितने होते हैं वो खाएं, मौसमी सब्जियां खाएं। कंप्लीट फूड माना जाता है मेडिकल साइंस में मिल्क को, उसका सेवन जरूर करें डेली। एक मॉडरेट वर्किंग पर्सन को कम से कम 100-150 ml मिल्क की आवश्यकता होती ही है, कृपया करके उसे लें, वो कंप्लीट फूड माना जाता है। मिक्स दाल लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करें, और बाहर किसी भी प्लेस को इस समय जबकि पेंडेमिक चल रहा है, क्राइसिस चल रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल वॉर,
वैसे हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक प्लेसेस को विजिट ना करें और अपने घर में जो भी लोग आते हैं उनसे बाहर से ही बात करें और बाहर से ही उनका सम्मान करके उन्हें जाने को कहें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी अपने घर से बात ना करें, घर से बाहर ना आए और जो भी समस्या है उसके लिए कम से कम बाहर जाने के लिए कोशिश करें। जैसा कि मैंने बताया कि कोरोना को स्प्रेड होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अगर कोरोना जिस क्लोथ में है या शूज में है वहां मॉइस्चर बना हुआ है तो वो वायरस वहां से जा सकता है। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उसको उसको ड्राई होना चाहिए। अगर मॉइस्चर होगा, नमी होगी, गीला होगा, कोई भी कपड़ा गीला है या शूज गीले हैं, चाहे वो हमारे पसीने से हो चाहे वो नॉर्मल किसी वाटर ड्रॉपलेट से हो, अगर वो गीले हैं तो फिर वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है वायरसेस का, लाइक कोरोना वायरस। तो हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा ड्राई हीट देना चाहिए और धूप में सनलाइट के कांटेक्ट में उन सभी क्लोथ्स को जरूर लाएं। घर में किसी भी जगह जहां पे नमी बनी हुई है, जहां पे मॉइस्चर है, उसे जल्दी से जल्दी सुखा दें, उसे सुखा दें और उसको साफ सफाई से रखने का प्रयास करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे बेहतर जो इलाज ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा हेल्दी फूड लें, कभी भी बासी खाना ना खाएं। बासी खाना चाहे आप कितनी बार भी उसे दोबारा से रीफ्राई कर लें, गरम कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतना न्यूट्रिशियस नहीं रह जाता है, ऑक्सीडेशन हो चुका होता है। तो वो खाना जो 10 घंटे से ज्यादा देर तक का बना हुआ है उस खाने को अवॉइड करें, फ्रेश खाना खाएं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कई लोग की कंप्लेन आती है कि भूख नहीं लगती है, तो कृपया करके हॉट बेवरेजेस जो कॉमनली हमारे देश में यूज होता है, कॉफी एंड टी, इसको अवॉइड करें। चाहे वो कोई भी कॉफी हो, कोई भी टी हो, प्लीज उसे अवॉइड करें, क्योंकि वो हमारे एपेटाइट को लॉस कराता है, भूख लगने की क्षमता को घटाता है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मौसमी जो भी सब्जियां मिल रही हैं, मौसमी जो भी फल मिल रहे हैं उनको लाएं और उसका सलाद बनाएं, और सलाद बना के उसको कम से कम हर व्यक्ति को 2 प्लेट सलाद दिन भर में खाना चाहिए, पूरे परिवार के लिए उस सलाद को बनाएं और खाएं। इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी बढ़ेगा और आपको आपका जो एपेटाइट है, आपकी भूख लगने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी, आप ज्यादा से ज्यादा खाना खा पाएंगे। और कृपया एक्सरसाइज जरूर करें, सिंपल सी घर में ही कोई वॉकिंग कर लें, घर में ही कोई छोटी सी एक्सरसाइज ढूंढ लें जरूर करें। और किसी भी अफवाहों पर विश्वास न करें, अफवाहें जब फैलेंगी, मैं मानता हूं कि जो कोरोना है अभी एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है, लेकिन याद कीजिए आज से कुछ साल पहले लेप्रोसी भी एक समस्या थी, एक घृणित बीमारी थी, पोलियो भी था, क्या इनका इलाज नहीं हुआ है? हुआ है, इन सब की वैक्सीन्स बन गई है, इन सब के लिए ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, सपोर्टेड थेरेपी के अलावा भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। अपने मन के धैर्य को बनाए रखें, मजबूत रखें और विश्वास करें, एक दिन इसका भी इलाज जरूर निकलेगा। सारे डॉक्टर्स की टीम, साइंटिस्ट, सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं इसी कोशिश में कि इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जरूर बनाया जाए, ढूंढा जाए। कोरोना का रिकवरी टाइम डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना ज्यादा उसका जो इम्यून सिस्टम है स्ट्रांग है। जब तक पेशेंट न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेंगे, जब तक अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, तब तक डिले हो सकता है, प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होगी। बट विश्वास रखें, पेशेंट अगर कितना ही कॉम्प्रोमाइज क्यों ना हो, अगर वो उसको बहुत अच्छे न्यूट्रिशन और सपोर्टिव थेरेपी दी जाएगी तो पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पेशेंट के बॉडी के इम्यून सिस्टम के ऊपर कि वो कितना ज़्यादा इम्यून है। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग भी, जैसा कि मैंने अभी क्लासिफिकेशन दिया था, जितने भी पर्सन है उन सबका अपना एक पर्सनल हैबिट है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, प्लीज इसे अभी इसी वक्त सीज कर दीजिए, मत लीजिए। ये एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के लिए, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। और अननेसेसरी बिना किसी डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवाई ना खाएं। अगर आपको इन्फेक्शन या खांसी या कफ आता है तो बिना डॉक्टर के पर्चे बनाए, बिना डॉक्टर को चेकअप कराए,
मेडिकल स्टोर से आप बिल्कुल मत खरीदें, क्योंकि उस मेडिकल स्टोर वाला इतना एजुकेटेड और ट्रेंड नहीं होता है कि डायग्नोसिस निकाल के और फिर एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सके। वो आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कभी नहीं दे सकते। दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। तो हम सभी को जब भी ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही मिलना चाहिए, और जो सरकार की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से जो गाइडलाइन आ रही है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके साथ सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि उनका बॉडी का लगभग, मैं बात करना चाहूंगा, उनका फैट, उनका उनका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, सब डिसबैलेंस हो जाता है। तो हम सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट के लिए बेहतर चीज ये है कि जो डायबिटिक फूड होता है, जो एक डायबिटिशियन आपको एडवाइस करते हैं, एक डॉक्टर एडवाइस करते हैं, डायबिटिक फूड को लें, टेंशन को अवॉइड करें। जब तक डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा तब तक वो पेशेंट कभी भी कोरोना के इन्फेक्शन से बच नहीं सकते हैं। तो उन सब, क्योंकि डायबिटीज होने का अर्थ ये है कि लगभग मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में जाने की स्थिति बनने लगती है। बॉडी के सारे पार्ट, शरीर के सारे अंग जो है प्रभावित होते हैं डायबिटीज से। तो उन सभी पेशेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपने डायबिटिशियन, अपने फिजिशियन या अपने डॉक्टर जिनसे वो सलाह लेते हैं उनसे तुरंत मिलें और उनसे डायबिटिक फूड की सलाह लें कि डायबिटीज के कंडीशन में हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, किस प्रकार का लाइफ स्टाइल रखना चाहिए, कैसा हमारा लाइफ प्रोफाइल होना चाहिए, कैसा हमारा वर्क प्रोफाइल होना चाहिए। हमें टेंशन को अवॉइड करना चाहिए, हमें हाई कैलोरी फूड को अवॉइड करना चाहिए, और जो डायबिटिशियन के गाइडलाइन होती है उसे फॉलो करें, डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा और वो पेशेंट भी कोरोना के इन्फेक्शन से इजीली बच जाएंगे। जब तक डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा तब तक पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। रिक्वेस्ट है कि डायबिटीज के लिए जो गाइडलाइन होती है उसे फॉलो करें और डायबिटिक फूड का जो है फॉलोअप करते रहें। यस, अगर किसी पर्सन को सीजनल कफ एंड कोल्ड है तो उसे जल्दी से जल्दी इस कफ एंड कोल्ड की जो समस्या है इसकी दवाई को फॉलो करके डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलके इसे ठीक करवा लेना चाहिए। और आज की सिचुएशन को देखते हुए कोरोना के टेस्ट को भी परफॉर्म करने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए डॉक्टर साहब से, और जो डॉक्टर की गाइडलाइन है उसे फॉलो करें। ज़्यादा कुछ भी ऐसी चीज़ें जो ठंडी हैं, जो निमोनिया को बढ़ा सकती हैं, कोल्ड एंड कफ को बढ़ा सकती हैं, उसे अवॉइड करें। मेरा ये मानना है कि जो लोग बेवरेजेस को नहीं छोड़ सकते हैं वो वेजिटेबल सूप का प्रयोग करें, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। न्यूट्रिशन जो है एक ऐसा पॉइंट है जो किसी भी, अगर हमने अपने न्यूट्रिशन को मेंटेन किया हुआ है, न्यूट्रिशन को अच्छे से हम लोग बैलेंस करके रखते हैं, तो ये एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जो किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी डिजीज से बचने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। जब तक हम माल नॉरिश्ड रहेंगे तब तक मेडिसिन भी हम पे वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएगी, यानी मेडिसिन का इफेक्ट, बॉडी रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर डॉक्टर के सामने कॉम्प्लिकेशंस आते जाते हैं, डॉक्टर्स फिर डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है और पेशेंट के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि जो उस समय वर्तमान में जो बीमारी है, जो इन्फेक्शन है, उससे कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले डॉक्टर की गाइडलाइन को फॉलो करें, न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा लें, सलाद, हर व्यक्ति को सलाद लेने की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत है, हर व्यक्ति को। मेरा ये पर्सनल एडवाइस है आप सभी के लिए, जो नमक है, जो खाने में हम नमक लेते हैं, वो नमक केवल दाल और सब्जी में ही लें, इसके अलावा और किसी भी तरीके से नमक का सेवन ना करें। सलाद में भी नमक ना लें और किसी और पदार्थ में भी नमक ना लें। नमक का सेवन केवल
आप सब्जी और सलाद में ही ले, सब्जी और दाल में ही ले, जितना हमारी बॉडी को नमक की आवश्यकता होती है वो सब्जी और दाल से पूरा हो जाता है। हमें अलग से कुछ भी नमकीन लेने की जरूरत नहीं है। कम से कम कैलोरी ले, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड ले। अभी तक इफेक्टिव मेडिसिंस की अगर हम बात करें कोरोना इन्फेक्शन के लिए, तो उनको हम स्पेसिफिक मेडिसिंस कहते हैं जो अभी तक नहीं बनी है। लेकिन कोरोना के इन्फेक्शन से जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो अदर इन्फेक्शंस हैं, अगर हम एंटीबायोटिक्स चलाते हैं, यस एंटीबायोटिक्स चलाते हैं, तो वो बिल्कुल वर्क करती हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोरोना का इन्फेक्शन आज पहली बार नहीं आया है। आज से 17-18 साल पहले, 2002 से 2003 के बीच में WHO के रिकॉर्ड के अनुसार टोटल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 8,000 पेशेंट थे, और उस समय मोर्टैलिटी रेट केवल 10% ही था। यानी 800 लोग मरे थे, बाकी सभी लोगों को बचाया जा चुका था। तो उस समय जो मेडिसिन चली थी वो एंटीबायोटिक्स ही थी, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स, सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन ग्रुप की मॉक्सिसिलिन, और पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है कि जो लोग कोरोना से एक्वायर्ड होके और जो निमोनिया डेवलप कर लेते हैं उनके लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स दी जाती है। यस, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो इफेक्टिव होती हैं कोरोना के द्वारा डेवलप किए गए निमोनिया के लिए। और प्रिवेंटिव मेजर्स में फिर से मैं बात करना चाहूंगा, आप लोग अपने न्यूट्रिशन को डेवलप करें, न्यूट्रिशन को और ज्यादा नॉरिश करें, अपने आप को माल नॉरिश होने से बचाएं, जंक फूड अवॉइड करें। हमारे इस प्रोग्राम को जितने भी व्यक्तियों ने, आप सभी ने ज्वाइन किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और रोज शाम को 5 बजे हमारा ये प्रोग्राम शुरू करते हैं हम, और आप लोग प्लीज ज्वाइन करें और किसी भी अफवाह पे विश्वास न करें। डॉक्टर्स और गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करें। थैंक यू।